स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? ए साइरस एस पुनावाला, बी गौतम अदानी, सी मुकेश अंबानी, डी शिव नादर। आंसर बी गौतम अदानी। एक्सप्लेनेशन, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में भारत के अरबपतियों की नई लिस्ट जारी की गई है। पहली बार इस लिस्ट में भारत के 300 से ज्यादा अरबपतियों को शामिल किया गया है। वहीं इस बार लिस्ट में 102 NRI भी हैं। गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी संपत्ति 95% बढ़कर लगभग 11.6 लाख रुपए करोड़ हो गई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया? ए कासिमपुर हॉल्ट, बी अकबरगंज, सी मिसरौली, डी जायस। आंसर डी जायस। एक्सप्लेनेशन, 27 अगस्त 2024 को रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए। उत्तर रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन को अब जायस सिटी रेलवे स्टेशन, जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालिकिन धाम और बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन के पास गुरु गोरखनाथ धाम आश्रम है, इस वजह से स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? ए 30%, बी 35%, सी 40%, डी 50%। आंसर सी 40%। एक्सप्लेनेशन, 8 कोर सेक्टर उद्योगों का सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन क्षेत्रों का भार 40% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एक संकेतक है जो किसी निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में हुए बदलाव को मापता है। ये सरकार के लिए नीति नियोजन और विश्लेषण के लिए अहम है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसे मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न, किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? ए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और कर्नाटक, डी केरल और महाराष्ट्र। आंसर ए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलुगु भाषा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगु भाषा की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। इसकी जड़ें द्रविड़ भाषा परिवार में हैं। तेलुगु भाषा दिवस हर साल 29 अगस्त को तेलुगु कवि गिदुगु वेंकट रामूर्ति की जयंती के दिन उनके योगदान और सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनि लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? ए भारोत्तोलन, बी निशानेबाजी, सी एथलेटिक्स, डी तीरंदाजी। आंसर बी निशानेबाजी। एक्सप्लेनेशन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया है। शूटिंग में अवनि लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनि ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया।